My name is Mini Sethi. Today I will discuss about Chamberlain Duopoly model under oligopoly market structure. बहुत simple और easy model है. Simple language में बात करें तो Chamberlain इस model में सिर्फ यही बात को convey करना चाहते हैं कि अगर firm दूसरी firm के साथ अपनी interdependency को recognize कर ले तो वो monopoly price को भी achieve कर सकती है. वो monopoly price और monopoly output के साथ एक stable equilibrium को achieve कर सकती है अगर वो दूसरी firm के साथ अपनी interdependency को recognize कर ले. अब इंटरडिपेंडेंसी को रिकॉग्नाइज करने का मतलब क्या है? अगर फर्म इस बात को जान ले कि वो किस लेवल तक दूसरी फर्म पे डिपेंड है, किस लेवल तक दूसरी फर्म के आउटपुट डिसीजन, प्राइस डिसीजन उसको इफेक्ट कर सकते हैं, अगर इस बात को अच्छे से जान ले फिर उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करे तो वो मोनोपोली प्राइस को अचीव कर सकती है. वो क्या कर सकती है? विद मोनोपोली प्राइस, विद मोनोपोली आउटपुट, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकती है अगर वो दूसरी फर्म के साथ अपनी इंटरडिपेंडेंसी को जान ले. ओके, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो चैम्बरलेन क्या कन्वे करना चाहते हैं, अगर एक फर्म जो मार्केट में परफॉर्म कर रही है वो दूसरी फर्मों के बारे में भी स्टडी कर ले, ठीक है, और इस बात को जान ले कि दूसरी फर्म के आउटपुट डिसीजन, प्राइस डिसीजन उसको किस तरह से इफेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से वो डिपेंड है, अपनी इंटरडिपेंडेंसी को रिकॉग्नाइज कर ले, पहचान ले, फिर उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करे तो वो एक मार्केट में मोनोपोली प्राइस को भी अचीव कर सकती है. मोनोपोली मार्केट में जो प्राइस होता है वो हायर होता है, वो हर फर्म का ड्रीम होता है, हर फर्म मोनोपोली प्राइस को पाना चाहती है. यही बात चैम्बरलेन करने करना चाहते हैं कि अगर फर्म थोड़ा स्मार्टली परफॉर्म करेगी उसे क्या करना है, दूसरी फर्म के साथ जो उसकी इंटरडिपेंडेंसी उसको पहचानना है, दूसरी फर्म के डिसीजन उसको किस तरह से इंपैक्ट कर सकते हैं उसको रिकॉग्नाइज करना, फिर उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करना है तो वो मोनोपोली प्राइस को भी अचीव कर सकती है. इसी बात को हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे. ओके, तो मोनोपोली जो चैम्बरलेन है इस मॉडल में ये मान के चलते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, जीरो है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या मान के चल रहे हैं, जीरो मान के चल रहे हैं. अब देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मार्केट में सिर्फ एक ही परफॉर्म करेगी, सब इनिशिएट जो करेगी, बिगनिंग करेगी, वो पहले एक ही फर्म करेगी, उसको बाद में दूसरी फर्म कॉपी करेगी, वो हम अभी देखते हैं. तो सबसे पहले मार्केट में एक ही फर्म परफॉर्म करेगी जिसे हमने ए फर्म का नाम दिया. ओ एक्स पे क्या है, ए फर्म का आउटपुट है. ओ वाई पे ए फर्म का क्या है, प्राइस है. ओके, और ये डी डी क्या है, ये डी डी लाइन क्या है, ये क्या है, मार्केट डिमांड. मार्केट में प्रोडक्ट की जो टोटल डिमांड है उससे डी डी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, जिसे हम मार्केट डिमांड का नाम दे देते हैं. ओके, अब मार्केट में सबसे पहले एक ही फॉर्म परफॉर्म कर रही है. ओके, तो ये उसका आउटपुट हो गया, ओ एम आउटपुट, ओपी प्राइस. हम अब इसका एम आर कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, ये एम आर हो गया, ये ए फॉर्म का एम आर हो गया. मार्केट में अभी वो अकेली है, ऑब्वियसली अगर वो अकेली है तो उसकी मोनोपोली होगी, तो ये जो ओपी क्या है, मोनोपोलिस्टिक प्राइस है, मोनोपोली प्राइस है. ओके, ये ओपी अकेली फॉर्म है, अभी मार्केट में दूसरी फॉर्म अभी नहीं आई है, तो ये ओपी क्या, मोनोपोली प्राइस है, और ओ एम क्या है, मोनोपोली आउटपुट है. ओके, तो मैंने क्या कहा कि अगर फर्म स्मार्टली परफॉर्म करे, वो अपनी दूसरी फर्म पे इंटरडिपेंडेंसी को जान ले तो वो मोनोपोली प्राइस, मोनोपोली आउटपुट के साथ स्टेबल इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकती है. ठीक है, तो ये क्या है, ओ एम मोनोपोली आउटपुट है और ओपी मोनोपोली प्राइस. अब हम देखते हैं दोनों फर्म में इसको कैसे अचीव करेंगे. ओके, अब ध्यान से सुनना, पहले तो सिर्फ एक ही फर्म मार्केट में परफॉर्म कर रही है, वो ओ एम आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है और ओपी उसका प्राइस है. हमने कॉस्ट जीरो मान लिया, ठीक है, कॉस्ट जीरो, जीरो कॉस्ट माने तो जीरो यहाँ पे लाया करेगा. तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये एम आर कर्व है, ठीक है, एम आर इक्वल टू एम सी, एम सी हमने जीरो मान के चल दिया, तो ये क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा. इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है. ओके, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की हमारी कंडीशन है. अब फर्म के जो टोटल प्रॉफिट हो रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट तो है नहीं, हमें कुछ रिड्यूस तो करना नहीं, तो ये सारा अमाउंट क्या है, फर्म का प्रॉफिट. जो ए फर्म का टोटल प्रॉफिट कितना है, ओ एम आर पी, ओ एम आर पी क्या हो रहा है, ए फर्म का प्रॉफिट हो रहा है. अब उसके प्रॉफिट को देखते हुए हमारी बी फर्म मार्केट में एंटर करें. चलो, अब बी फर्म मार्केट में आ गई है. अब जैसे ही बी फर्म मार्केट में आई तो हमें बी का भी एम आर का ड्रॉ करना पड़ेगा. ये एम आर वन हमने बी का ड्रॉ कर लिया. बी जैसे मार्केट में प्रोडक्शन बढ़ा, सप्लाई बढ़ी, तो प्राइस कम हो गया. पहले ओपी प्राइस था, अब प्राइस ओपी वन हो गया. अब देखो, ए ने जो ए फर्म से उसने कैसे स्मार्टली काम करा, कैसे अपनी इंटेलिजेंसी दिखाई. ओके, अब उसने क्या किया, जब जैसे मार्केट में बी फर्म आई, बी फर्म ने इतना आउटपुट प्रोड्यूस किया था ना, ये क्या है, यहाँ पे हमने इसको ये एम आर कर, इसको नाम दे लेते हैं, यहाँ पे ये आर नाम दे लेते हैं, और इसको तो एम दिया ही हुआ. ओके, तो बी फर्म ने ये एम आर
कितना अमाउंट आउटपुट प्रोड्यूस किया। जब बी फॉर्म आई तो बी फॉर्म ने ये एमआर आउटपुट को प्रोड्यूस किया। ए कैसे स्मार्टली काम करते हैं, ये मेन पॉइंट है, ध्यान से सुनना। जितना आउटपुट बी ने प्रोड्यूस किया ना, ए उतना कम कर लेती है। यहाँ पे ए ने देखो कैसे दिमाग लगाया, ए क्या करती है, जितना आउटपुट बी ने प्रोड्यूस करा उतना आउटपुट ए कम कर लेती है। ए पहले ओ एम प्रोड्यूस कर लेती, अब जितना बी ने प्रोड्यूस किया ए उसको कम कर लेती है। देखो ये जो एम आर आउटपुट ए बी ने प्रोड्यूस किया, ए इतना ही कम कर लेती है। एक इसको हम पी नाम दे देते हैं, ये पी है। जो एम आर, ये जो एम आर है इक्वल टू पी एम। एम आर बी ने प्रोड्यूस करा और ए ने पी एम जो कि एम आर के बराबर है उसे कम कर दिया। ठीक है, जैसे ए ने इतना आउटपुट कम किया प्राइस फिर से ऊपर चला गया, जो कि बी के आने से ओ पी वन हो गया था, वो फिर से ओपी हो गया। ठीक है, अब पी एम और ये पी एम और एम आर बराबर है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, जो दोनों फॉर्म ए और बी है, इस पार्ट को तो निकाल ही दो बीच में से। ठीक है, क्योंकि ये इतना आउटपुट तो ए ने रिड्यूस कर लिया, अब दोनों फॉर्म मिलकर ओ एम आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे। ध्यान से सुनना, बी जैसे ही मार्केट में आई, बी ने एम आर आउटपुट को बढ़ाया। जैसे बी ने एम आर आउटपुट को बढ़ाया प्राइस कम हो गई। ए ने स्मार्टली वर्क किया, ए ने क्या किया, जितना आउटपुट बी ने प्रोड्यूस करा ए ने उतना आउटपुट कम कर दिया। ए ने उतना आउटपुट कम किया तो अब दोनों मिलकर इसको, अब ये बात तो पीछे ना, दोनों मिलकर इतना प्रोड्यूस करेंगे ओ ये ओ एम, दोनों मिलकर ओ एम प्रोड्यूस करें। जो प्राइस बी के आने से कम हो गया था ना, वो फिर से बढ़ गया, वो ओपी पे चला गया। जो ओपी क्या है, एक मोनोपोलिस्टिक प्राइस है। अब ए ने स्मार्टली वर्क किया जिसके कारण दोनों फॉर्मों ने एक स्टेबल इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया विद मोनोपोली प्राइस एंड आउटपुट। अब मोनोपोली आउटपुट क्या है, ओ एम, जो दोनों ए एंड बी मिलकर परफॉर्म कर रही है, और ओपी क्या है, ये मोनोपोली प्राइस तो दोनों फॉर्मों को मिल रहा है। ओके, तो ये बेसिकली चैम्बरलेन डियोपोली मॉडल, आई थिंक आपको समझ में आएगा। थैंक यू।